आदाब। पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की हर दिन की पहलू लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, पर 40 दिन तक जो सुनवाई हुई उसे आपके सामने रखा, पर 40 दिन के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए जिस पर आप लोगों के सामने राय रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के लोग इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों में से एक है जिसमें हमने कई लोगों से आपके सामने उन पहलू को रखा जिसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो भूमि का विवाद है उसे किस तरह हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है और लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर भी सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक ऐसा केस जिसकी देश ही नहीं दुनिया में भी अदालत पर नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाली 15 नवंबर को क्या तारीख और क्या फैसला लिया जाएगा, क्या तारीख गवाह होगी, क्योंकि इतिहास का ये पहला ऐसा बड़ा मामला होगा जिस पर हर कोई निगाहें बना करके टकटकी लगाए, चाहे हिंदू समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, हर कोई जस्टिस रंजन गोगोई की तरफ टकटकी निगाहों से देख रहा होगा। ये बात है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के, अब तक के हर पहलू को आप लोगों के सामने रखा और हर मुद्दे पर किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा हर एक बारीकी को आप लोगों के सामने रखा, पर आज बाबरी मस्जिद से जुड़ी चार अहम बातें लेकर के आपके सामने जुड़ा हूं और जो बातें सामने आ रही हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आईबी से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस तक हाई अलर्ट पर है। अयोध्या की सड़कों पर आरएफएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं तो आईबी की टीमों ने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में डेरा डाले रखा है। एक खबर के अनुसार मंगलवार को आला अफसरों की अगुवाई में पुलिस के जवानों ने अयोध्या के संवेदनशील स्थानों, गलियों और मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया तो ये भी साफ कर दिया कि अयोध्या कितनी सुरक्षित है। अयोध्या के सीईओ सिटी अरविंद चौरसिया ने बताया कि इस जनमानस ने हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम लोग पुलिस प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाएगी। अयोध्या में संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ प्रॉपर फोर्स है, उचित सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जो नवंबर में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, उन्होंने कहा कि अयोध्या शीर्षक विवाद मामला आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। एक साक्षात्कार में जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अयोध्या विवाद न्यायिक इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। बोबड़े 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा हैं जिन्होंने मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ 40 दिनों तक सुनवाई की। पीठ ने 16 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा और सीजीआई रंजन गोगोई के समक्ष फैसला सुनाया जो 17 नवंबर को सुनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रखा जिसमें 3 निर्मोही अखाड़ा संप्रदाय, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बीच विवादित 2.77 एकड़ जमीन का विभाजन को आदेश दिया गया था। न्यायपालिका के सरकार के साथ संबंध पर टिप्पणी करते हुए बोबड़े ने कहा वे आपसी सम्मान पर पनपे हैं,
सरकार के पास बहुत सारी शक्ति है, अदालतें खुद अनुदान नहीं दे सकती है। सिस्टम को सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता है। सभी आदेश कार्यपालिका के नाम पर भी किए गए हैं। संविधान में लोगों को एक साथ काम करने के लिए दो विंग की आवश्यकता है। बाबरी अयोध्या विवाद एक ऐसा मामला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसी के साथ साथ बाबरी मस्जिद पर आने वाले फैसले को लेकर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि कोई भी फैसला अदालत सुनाएगा हम मानेंगे। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में न्यायालय या सरकार का कोई भी फैसला मुस्लिम समाज स्वीकार करेगा। सिद्धार्थनगर जिले के हल्लौर में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए कल्बे जव्वाद ने कहा कि सभी लोगों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। हुसैनियत एक सोच का नाम है जो कहीं भी पाई जा सकती है। देश में कहीं भी दंगा फसाद इमाम के मानने वालों से नहीं होता। आजदारी के लिए मौजूदा सरकार पिछली सरकारों से बेहतर है। रविवार को सिद्धार्थ नगर हल्लौर में आयोजित मजलिस प्रोग्राम में हिस्सा लेने लखनऊ से आए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पत्रकारों से बातचीत में श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सवाल के जवाब में कहा कि न्यायालय और सरकार का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है। सरकार का फैसला किसी जाति या वर्ग के लिए नहीं होता। विकास कार्य पूर्व देशवासियों के लिए होता है। कुछ असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का किसी जाति धर्म से सरोकार नहीं होता है। इनसे बचकर रहने की जरूरत है। समुदाय के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि संविधान का सम्मान करें। वतन से मोहब्बत ईमान की रोशनी है। अब आगे ये जान ले, चाहे न्यायमूर्ति हो या मौलाना, इनके साथ साथ नेताओं ने भी अपनी राय देना शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं इस पर। राकपा प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि कुछ ताकतें देश में स्थिति का लाभ उठाते हुए समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में शांति कायम रखने की बात कही। पवार ने यह भी टिप्पणी राकपा विधायकों की बैठक में की। इन विधायकों ने अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना है। दशकों पुराने भूमि विवाद का हवाला देते हुए पवार ने कहा कि राम जन्मभूमि देश के बड़े तबके के लिए, लोगों के लिए आस्था का विषय है। वहीं 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने को लेकर देश के अल्पसंख्यकों में अलग तरह की भावना है। पवार ने कहा, मैं अल्पसंख्यकों में ये भावना देखता हूं कि न्यायपालिका जो भी फैसला देगी वह स्वीकार करेंगे। समाज में शांति बनी रहे इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मौके का फायदा कुछ ताकतें उठा सकती हैं, समुदाय में दरार डालने की कोशिश कर सकती हैं। हालांकि राकपा नेता ने ताकत का नाम नहीं लिया। अयोध्या भूमि विवाद मामले में शीर्ष अदालत ने 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद से जुड़ी चार बड़ी खबरें आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा था। जहां पहली खबर में आपने देखा कि अयोध्या में आईबी और पुलिस अब मार्च करने लगी है, और ये एक संदेश तो अयोध्या के प्रशासन की तरफ से दिया गया कि हालात कैसे भी हों, हम शांति बनाए रखने में कामयाब रहेंगे और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। देश के अखंडता और एकता पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। अगर शरारती तत्व शरारत करना भी चाहेंगे तो उनसे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो वही जस्टिस बोबड़े जो अगले न्यायाधीश होंगे, जो रंजन गोगोई की जगह पर चीफ जस्टिस होंगे, 17 नवंबर को वो शपथ लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े सर्वोसर्वा के रूप में देखे जाएंगे। जस्टिस बोबड़े बाबरी मस्जिद को लेकर के बयान देते हैं और उस बयान में वो कहते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सब की निगाहें टिकी हुई हैं। पर इसी के साथ साथ जस्टिस बोबड़े के बयान ने सभी को हैरान कर दिया कि सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, पर हम उसके लिए अनुदान
नहीं करेंगे, यानी कि हम उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। सरकार चाहे कितना भी दबाव बना ले, हम संविधान की मर्यादा में रह करके अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि सरकार से ही नहीं देश संविधान पर भरोसा करता है और संविधान के हिसाब से जो भी फैसला होगा हम वो फैसला लेंगे। जस्टिस बोबड़े के बयान ने हर किसी को हैरान किया, तो वहीं मौलाना कल्बे जव्वाद जो शिया धर्मगुरु के सबसे बड़े धर्मगुरु कहलाए जाते हैं, माने जाते हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि अदालत जो भी फैसला लेगी उसे हम मानेंगे और देश के मुसलमान भी मानेंगे। ये तमाम देश के मुसलमान कह चुके हैं कि कोई भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, चाहे इकबाल अंसारी हों, चाहे मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हों, चाहे मौलाना कल्बे जव्वाद हों, सारी तंजीम और सारे लोग जो बाबरी की पैरवी कर रहे हैं, उन लोगों ने एक रुख और एक लहजे में ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे। तो वहीं अगर बात की जाए शरद पवार की, तो शरद पवार ने भी आगाह किया है कि आने वाले फैसले के दिन पर हर कोई सचेत रहे कि कोई भी शरारती तत्व देश के माहौल को ख़राब करेगा, उसके लिए हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। तो बाबरी मस्जिद से जुड़ी ये चार बड़ी खबरें आज आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा था, जिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े उठना शुरू हुए हैं। जहां फ्लैग मार्च शुरू हुआ है अयोध्या में, तो बोबड़े ने जो कुछ कहा उस पर हर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बाबरी से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।